कहानी ज्ञान का अनंत सागर। एक छोटा सा गांव था जहां रहने वाले लोग खेती बाड़ी किया करते थे। वे सुबह से शाम तक मेहनत करते थे, लेकिन उनके पास पढ़ने लिखने का समय नहीं होता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि पढ़ना लिखना तो सिर्फ शहर वालों के लिए है। गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था राज। राज को पढ़ने का बहुत शौक था। वह रात को चुपके से चिराग जलाकर किताबें पढ़ता था। गांव के लोग उसे मूर्ख कहते थे, लेकिन राज नहीं मानता था। वह हमेशा कहता था, जब तक जीना तब तक सीखना। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु जी ने गांव वालों को ज्ञान का महत्व बताया। उन्होंने कहा, पढ़ना लिखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, हर एक चीज़ से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। पेड़ पौधे, जानवर, तारे, ये सब हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। साधु जी की बातों से राज बहुत प्रभावित हुआ। उसने साधु जी से बहुत सारे सवाल पूछे। साधु जी ने राज को बताया कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। राज ने साधु जी से बहुत कुछ सीखा। उसने गांव वालों को भी साधु जी की बातें बताई। धीरे धीरे गांव के लोगों में पढ़ने लिखने का जुनून जाग गया। उन्होंने राज के साथ मिलकर पढ़ना लिखना शुरू किया। कुछ समय बाद राज गांव का सबसे पढ़ा लिखा आदमी बन गया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यह कहानी हमें बताती है कि ज्ञान का महत्व कितना है। ज्ञान हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हम कभी भी सीखना बंद नहीं कर सकते, हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। किताबों के अलावा हमारे आसपास की दुनिया भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। राज ने अपने गांव के लोगों के जीवन में बदलाव लाया। यह कहानी स्वामी विवेकानंद के कथन जब तक जीना तब तक सीखना को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हमेशा कुछ नया सीखते रहें और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें।